हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 90 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है, यदि वह वृक्ष को पार करने में 50 सेकंड लेती है तो उसकी गति कितने किलोमीटर है। तो यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। तो ये दिए हैं 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिए हैं, 250 मीटर दिए हैं। तो यहाँ पे हम 250 लिखेंगे, बटे में समय, समय दिए हैं 50 सेकंड, 50 दिए हैं ना। और यहाँ पे चाल निकालनी है ना, तो चाल, और यहाँ पे क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हम 5/18 से गुणा कराएंगे, तो 5 × 5 25, 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा। तो चाल इक्वल टू 18 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ये चाल आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में नहीं आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कार का प्रत्येक पहिया प्रति सेकंड 5 चक्कर काटता है, यदि पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है तो कार की गति सेंटीमीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। तो हम जानते हैं कि दूरी इक्वल टू 2πrn होता है, दूरी इक्वल टू 2πrn होता है। 2π का मान 22/7r, त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या नहीं दी है, ये व्यास दिए हैं, कितना, 84 सेंटीमीटर। तो व्यास 84 दिए हैं, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी होती है, तो बटे में 2। और n जो होता है वो चक्करों की संख्या होती है, तो 5 चक्कर काटता है, 5 लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, तो 12×5 = 60, 22×7, तो 0, 6×12, 6×12 = 13, तो 1320 आ गई ना। तो हमें चाल बतानी है, तो हम जानते हैं कि चाल इक्वल टू दूरी बटे समय होता है। तो दूरी के स्थान पे 1320 समय, समय कितना है कह रहे, प्रति सेकंड ना, तो बटे में 1 हो जाएगा, तो चाल कितनी आएगी, वही आएगी 1320 ही आएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक व्यक्ति 2 घंटे 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय कर सकता है, तो वह 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हुए कितने समय में वही दूरी तय करेगा। अब देखिए, यहाँ भी वही दूरी आ गया है, और जब भी वही दूरी कहेगा तो हम चाल वन समय वन इक्वल टू चाल टू समय टू लगाएंगे। वही दूरी, चाल वन इंटू में, चाल वन इंटू में समय वन इक्वल टू चाल टू इंटू में समय टू हो जाएगा। तो चाल वन कितना दिए हैं, चाल वन 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हैं, तो चाल वन के स्थान पे 4, समय, समय दिए हैं 2 घंटा 45 मिनट, 2 घंटा 45 मिनट। तो हम घंटे को भी 45 मिनट में चेंज करेंगे, तो 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 120 मिनट, और 45 मिनट ये है, तो 120 में 45 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 165 आ जाएगा, 165 इक्वल टू चाल टू, चाल टू दिए हैं 16.5 किलोमीटर, 16.5 इंटू में समय टू, नहीं पता है समय टू को हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 हो जाएगा, 165 से 165 कैंसिल हो जाएगा, तो समय टू इक्वल टू 40 मिनट आ जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घोड़े की सवारी करता है, परंतु प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलने के 6 मिनट रुकता है। बताएं 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में वह कितना समय लेगा। तो हम जानते हैं कि चाल इक्वल टू दूरी बटे समय होता है। दिए हैं 18 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या दिए हैं, चाल दिए हैं, तो चाल चाल के स्थान पे 18 लिखेंगे। इक्वल टू दूरी कितना है, 90 किलोमीटर है। समय नहीं पता है, समय यहाँ से हम निकालेंगे, 18 × 18 = 90, 5 घंटे का समय लग रहा है। फिर ये कह रहे हैं परंतु प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलने के 6 मिनट रुकता है। बताएं 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में वह कितना समय लेगा। अब रुका ना होता तो वो 5 घंटे को रुकता ना, तो 5 घंटे में पहुंच जाता, लेकिन वो रुक रहा है। तब कह रहे परंतु प्रत्येक 7 मिनट की दूरी पर रुकता है, तो दूरी कितना और वो कितनी बार रुक रहा है। कह रहे हैं 7 किलोमीटर की दूरी पर रुक रहा है, तो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 समथिंग आएगा। तो हम दशमलव वाला नहीं लेंगे, बस हम 12 लेंगे, तो वो कुल कितनी बार रुक रहा है, 12 बार रुक रहा है। और कितने मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए रुक रहा है। वो एक बार 6 मिनट के लिए रुक रहा है, तो 12 बार कितने मिनट के लिए, 12 बार कितने मिनट के लिए रुकेगा, 12 × 6 = 72 मिनट के लिए रुकेगा। कुल मिला के वो 72 मिनट रुका है। तो अब कितनी देर में वो पहुंचेगा, 5 घंटा ये है, 72 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा 12 मिनट लिख सकते हैं ना, 1 घंटा 12 मिनट। तो 5 घंटा ये है और 12 मिनट ये है, तो ये हो जाएगा 6 घंटा 12 मिनट। तो उसे कितना समय लगेगा, 6 घंटा 12 मिनट समय लगेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो स्थानों R और S के बीच दूरी 42 किलोमीटर है। अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से R से S की ओर चलना शुरू करती है, और उसी समय रोगिता भी कुछ समान गति से S से R की ओर चलना शुरू करती है। वे 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं। रोमिता की गति बताएं, तो रोमिता की गति बतानी है ना, देखते हैं। तो ये कह रहे हैं दो स्थान R और S के बीच की दूरी है कितने की, 42 किलोमीटर की। अनीता कितनी गति से चल रही है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है ना, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये अनीता की गति हो जाएगी, प्लस रोमिता की गति नहीं पता है, निकालना है, तो प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू, ये क्या है, ये चाल है। फिर दूरी के स्थान पे 42 किलोमीटर की दूरी है ना, तो 42 हो जाएगा, 42 बटे में समय दिए हैं 5 6 घंटा, तो समय 6 हो जाएगा, 6 × 6 = 42। तो 4 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे, 7 में से माइनस होगा, x इक्वल टू 3 घंटा आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए समान दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहे आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा, देखते हैं। तो ये कह रहे हैं 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 180 मीटर है, तो दूरी के स्थान पे हम 180 रखेंगे, प्लस फिर कह रहे हैं 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से, हाँ यहाँ पे देखिए समान दिशा कह रहे हैं ना, और जब भी ये समान दिशा कहेंगे तो हम चाल को माइनस करेंगे, तो 20 मीटर प्रति सेकंड दिए हैं और 10 मीटर प्रति सेकंड दिए हैं, तो हम माइनस कर देंगे दोनों चाल, और दूरी कितना दिए हैं, 180 मीटर दिए हैं, बटे में समय निकालना है, तो 20 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा,
तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो टी इक्वल टू 18 सेकेंड आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो स्थानों ए तथा बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्थान ए से प्रातः 9 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर तथा अन्य रेलगाड़ी प्रातः 9 बजे स्थान बी से स्थान ए की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, बताएं किस समय में वे मिलेंगी। देखते हैं, तो ये कुल दूरी कितना दिए हैं, 330 किलोमीटर दिए हैं। कुल दूरी, ये कुल दूरी है जो कि 330 किलोमीटर दिए हैं। तो ये कह रहे हैं दो स्थान ए तथा बी के बीच की दूरी, ये ए है और ये बी है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 330 किलोमीटर है। फिर ये कह रहे हैं एक रेलगाड़ी स्थान ए से प्रातः 8 बजे, स्थान ए से प्रातः कितने बजे, 8 बजे चलना प्रारंभ करती है, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चलेगी। फिर ये कह रहे हैं बी की ओर से तथा अन्य रेलगाड़ी प्रातः 9 बजे से स्थान बी से, फिर 9 बजे से स्थान बी से कोई गाड़ी चल रही है ए की तरफ 9 बजे से, और इसकी चाल कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे ये 9 बजे से चल रही है, तो यहाँ 8 बजे से चल रही है, तो हम दोनों का समय सेम करेंगे, अगर 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे में वो कितनी दूरी आ जाएगी, यहाँ तक मान लीजिए आ जाएगी, तो ये कह रहे हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, 60 किलोमीटर जाएगी, तो यहाँ पे 60 किलोमीटर, और टोटल दूरी 330 किलोमीटर है, 330 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर दूरी वो चल चुका है, तो कितना और बचा है, तो यहाँ से यहाँ तक 270 किलोमीटर की दूरी और बची है, 270 किलोमीटर। तो यहाँ से अब देखिए, यहाँ पे एक ट्रेन इधर से ए से बी की तरफ जा रही, फिर बी से ए की तरफ आ रही है, तो हम चाल को प्लस में करेंगे, तो 60 और ये 75 कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगी, चालें जुड़ जाएंगी, और दूरी दूरी कितनी है, 270 है, तो 270 बटे भी समय, तो 135 दूना 270, तो समय इक्वल टू कितना आ गया, 2 घंटा समय आ गया। तो 9 बजे से चलना प्रारंभ की थी, 9 से 2 घंटा, तो 11 बजे पहुंच जाएंगी, 11 बजे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्ति 1200 मीटर लंबे पुल के विपरीत किनारों पर खड़े हैं, यदि वे क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट की गति से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करें, तो वे आपस में मिलने में कितना समय लेंगी। देखते हैं, तो यहाँ भी चालें कितनी दी हैं दोनों की, 5 मीटर प्रति मिनट दिए हैं। तो ये कह रहे हैं दो व्यक्ति 1200 मीटर लंबे पुल के विपरीत 1200 मीटर दूरी दिए हैं, दूरी 1200 मीटर है। फिर ये कह रहे हैं यदि वह क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट की गति से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं ना, और दोनों की गति कितनी है, 5 मीटर प्रति मिनट है, तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, 5 प्लस 5 हो जाएंगी, और बटे में समय हो जाएगा, तो 5 5 10 10 से 0 कैंसिल होगा, तो टी इक्वल टू 120 आ जाएगा, तो समय कितना आया, 120 मिनट आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहे हैं, व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा, तो व्यक्ति को पार करने में समय बताना है ना। देखते हैं,
तो यहाँ पे 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिए हैं? 500 मीटर दिए हैं, तो दूरी के स्थान पे हम 500 रखेंगे। 500 बटे में समय नहीं पता है, समय निकालना है। और ये चाल दिए हैं 63 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में कह रहे हैं ना, तो चालें घट जाएंगी। 63 किलोमीटर पहले चाल दिया गया है, फिर दोबारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हैं, तो 63 में से 3 माइनस करेंगे, 63 में से 3 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। और मीटर प्रति सेकंड तो 5/18 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60, 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 1 के 6, 3 18, 5 1 के 5, 5 दहम 50, तो t=10 सेकंड आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुलिस वाला अपने से 200 मीटर दूरी पर एक चोर को देखता है, वह चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। चोर तथा पुलिस वाला क्रमशः 10 किलोमीटर तथा 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं, 6 मिनट बाद उसके बीच की दूरी कितनी होगी? देखते हैं। तो ये दिए हैं 200 मीटर की दूरी, दूरी कितना दिए हैं? 200 मीटर दिए हैं, तो दूरी के स्थान पे 200 मीटर रखेंगे, तो 11 माइनस 10 इक्वल टू, दूरी नहीं पता है, दूरी निकालनी है, दूरी बटे समय कितना है? 6 मिनट है, मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो इंटू में 60 हो जाएगा। और यहाँ पे ये मीटर में है ना, और ये सेकंड में है, और यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम 5/18 से गुणा कराएंगे, तो 6 1 के 6, 6 3 18, 3 1 के 3, ये आ जाएगा 20, 20 5 100, और 10 में 11 में से 10 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 100 का गुणा 1 से कराएंगे तो 100 आ जाएगी, तो दूरी कितनी आई? 100 मीटर आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान गति से चल रही है, दो रेलगाड़ी हैं और समान गति से चल रही, विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो मान लीजिए जब भी विपरीत दिशा कहेगा तो हम चालें जोड़ते हैं, x + x, दोनों की गति समान है और ये विपरीत दिशा में चल रही है, तो प्लस करेंगे, इंटू में 5/18 इक्वल टू, दूरी कितनी हो जाएंगी? दो रेलगाड़ी है और दोनों की लंबाई 120 है, बटे में समय दिए हैं 12 सेकंड, तो 12 लिखेंगे, 120 120, 240 हो जाएगा, 12 1 के 12, 12 2 24, 5 1 के 5, 5 4 20, तो 2x, यहाँ पे 2x हो जाएगा, तो 2 1 के 2, 9 18, 9 4 36, x इक्वल टू 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई।